ड्रेस डिजाइनर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में सादा पजामा बनाने का तरीका बताने वाला हूं, जो कि आप गर्मी और बरसात में आसान तरीके से बना के पहन सकते हैं और ये सबसे सिंपल तरीका होता है। आपको टेलर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ये कपड़ा लेके आना है 2 मीटर और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में किसी का भी पजामा आसान तरीके से सिल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको पजामा बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको इसको फोल्ड करना होता है। ये देखिए हमने इसे डबल फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से एक बार हम इसको अच्छी तरीके से और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फोल्ड करने के बाद हमने इसकी 4 तह बना ली हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसकी 4 तह बना ली हैं और इसी तरीके से आपको भी रख लेना है। अब इसको आप इस तरीके से हाथ की मदद से एकसार कर लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपल तरीके से बिल्कुल एकसार कर लेना है। और एक दोस्तों मैं आपको टिप्स और बताता हूँ, आप जब भी कोई भी पजामा या फिर कोई भी सूट बनाते हैं तो जब भी आप बाजार से कपड़ा लेके आते हैं तो आप इसको भिगो कर रख दीजिए, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी सिलवटें ना पड़े और हमारा जो कपड़ा है सूख लेना। इसलिए आप इसको 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए और जब ये सूख जाए इसके बाद ही आप इसका पजामा या फिर कुर्ती या फिर कमीज या फिर जो भी बना रहे हैं वो बनाएं। ये टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने इसको फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करने के बाद इसका जो नीचे का हिस्सा होता है ये टेढ़ा रहता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें एक निशान लगा देंगे, क्योंकि हम इसको कट करके बाहर हटा देंगे और यहीं से हम इसका नाप लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो जब भी आप कोई भी सूट या फिर कोई भी पजामा या फिर कुछ भी बनाए तो आप एक लाइनिंग जरूर करें, ये टिप्स भी आप जरूर फॉलो करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आपको जितना भी इलास्टिक डालना है आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे काफी आपने देखा होगा 1 इंच का भी इलास्टिक आता है, 1/2 इंच का भी, तो इसमें हम 1/2 इंच का इलास्टिक डालेंगे, मतलब ज्यादा चौड़ा वाला नहीं डालेंगे, 1 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे। तो ये हमने इलास्टिक की नहीं फोल्ड की नहीं छोड़ दिया है, तो ये हम गर्मियों की नहीं बना रहे, एकदम लूज वाला पजामा, तो इसको कोई भी साइज का पहन सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो आजकल ट्रेंडिंग में काफी लूज पैंट और ट्राउजर चल रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इस पजामे को बना रहे हैं। तो मैं इसको काफी लूज बना रहा हूं, तो इसमें आपको कमर की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्योंकि ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे तो इसलिए आप इसको जितना चाहे उतना लूज रख सकते हो। तो यहाँ से मैं इसमें लगा रहा हूँ 16 इंच पे निशान। 16 इंच पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो जब हम इसमें आप चाहो तो मियानी भी लगा सकते हो, और मियानी नहीं लगाओ तो आप इसको पैंट स्टाइल भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें मियानी लगा रहा हूँ। मियानी लगाने से इसमें थोड़ी हमारी और एक्स्ट्रा मजबूती आ जाती है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 15 पे, तो हमने 15 पे निशान लगा दिया है। तो जितना हमने कमर का ऊपर 16 लगाया था निशान, उतना ही यहाँ पे हम 16 पे निशान लगा दें और इस वाली लाइन को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे सीधा। तो ये हमने कमर का भी निशान लगा लिया है। जितना हमें आसन रखना है, हमने आसन भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये रख लिया हमने 15। तो ये हमारा आसन का निशान भी आ गया है। तो अब हमें जितनी लंबाई रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मुझे इसकी लंबाई रखनी है 35 इंच, तो मैंने 35 पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो अब हम इसकी नहीं फोल्ड की नहीं जो छोड़ेंगे, आप फोल्ड की नहीं आप इतना इतना छोड़ दीजिए, ताकि आपको कभी आगे की लंबाई बढ़ाने की जरूरत पड़े तो आप इसमें बढ़ा सकते हो। तो मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। तो इसको हम स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने लंबाई का निशान भी लगा दिया है और जितना हमें फोल्ड करना है उतने पे भी हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा लूज वाला बना रहे हैं, तो आप अपनी मोरी जितनी भी आप लूज पहन सकते हो गर्मी में आप उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10 पे निशान लगा दिया है और उसके बाद यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 इंच तक सीधे को इस तरीके से निशान लगा देंगे, फिर 12 के बाद इसको हल्के हल्के हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाला निशान हो गया है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ही लूज है, तो फिर भी हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है, यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी, तो इसलिए अगर आपको आगे कभी लूज करना हो तो आप इसको आराम से और लूज कर सकते हो। तो ये हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ तक पूरा। तो जो हमने ये एक्स्ट्रा वाला निशान लगाया था यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि जब हम ये वाला आसन वाला निशान लगाते हैं तो इसमें हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले से ही निशान लगा देते हैं, तो इसलिए इसको हम इस लाइन के हिसाब से ही कट कर लेंगे जैसे कि हमने निशान लगाया था। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जहां हमें फोल्ड करना है वहां पे इस तरीके से नोचेस लगा लीजिए, ताकि अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत हो तो इसके हिसाब से आप आराम से फोल्ड कर सकते हो। तो अब हमें इसमें क्या लगानी है, मियानी। ये जो हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम आराम से अपनी मियानी को निकाल सकते हैं। तो मियानी कभी भी आप बनाए तो कपड़े को इस तरीके से न रखते हुए इस तरीके से थोड़ा औरब में रखें, क्योंकि औरब में रखने से मियानी हमारी और अच्छी आती है, ताकि जब हम इसको पहने तो इसमें हमारे पहनने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ से हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारी औरब में जो हम मियानी कट करते हैं तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अभी हमारा ट्राउजर पूरा मतलब पजामा कट के रेडी हो चुका है। अब मैं आप इसको पूरा स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पजामा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, और रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने इसको बना लिया है। और दोस्तों ये बिल्कुल ट्रेंडिंग पजामा है और इस समय ये मार्केट में काफी चल रहा है ट्रेंडिंग में, और अगर आप इसको बाजार से लेने जाएंगे तो बाजार में ये आपको मिलेगा 500 से 1000 रुपए का, लेकिन आप इसको घर में बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।